नमस्कार बंधु, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित। बहुत समय से मेरे साथी इस बात को कह रहे थे कि आप जिस प्रकार से घुटनों को जादू की तरह से ठीक कर देते हैं, लेकिन क्या हम अपने घुटनों को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए कोई एक्सरसाइज घर पर भी कर सकते हैं? अरे हाँ, जरूर कर सकते हैं। और नहीं केवल इतना ही, आप ये जो आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं, इस एक्सरसाइज को करते करते आप अपने घुटनों को निरोगी भी बना सकते हैं और अगर तकलीफ आना शुरू हो गई है तो उसको रोक भी सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी, तुरंत लाभ देने वाली ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको घुटनों की बताने वाला हूं। तो वो सभी लोग जो खुद घुटनों से परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है, वो सभी जिनके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति घुटनों से तंग है, या वो अपने जिनके मित्रों को भी घुटने की तकलीफ है, और घुटने की तकलीफ अगर आती है तो हमको ये ध्यान में होगा कि पूरे शरीर का वजन घुटने ही लेते हैं। घुटने ठीक नहीं तो आपकी चाल बदल जाती है, आप टेढ़े मेढ़े इस तरह से चलने का अभ्यास हो जाता है। तो वो सभी लोग जिनके खुद की तकलीफ है, जिनके परिवारों में तकलीफ है, जिनके अपने मित्रों को घुटने की तकलीफ है, उन सबके लिए मैं बहुत महत्व की एक्सरसाइज लेकर आया हूं। आप उस एक्सरसाइज को करिए, स्वस्थ रहिए, समस्या को आने से पहले ही रोक दीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं बोर्ड सूत्र जिनके माध्यम से आप अपने घुटनों को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे साथ हैं श्री वशिष्ठ जी, जिनके ऊपर मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, क्योंकि जिनको ऑलरेडी सफर कर रहे हैं जो घुटनों की तकलीफ से, आवश्यकता है जिनको तकलीफ है उनको मैं एक्सरसाइज बताऊं, जिससे आपको ध्यान में आए कि घुटने की तकलीफ वाला व्यक्ति वो एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं आप दो तरह के एक्सरसाइज बताऊंगा। पहले एपिसोड में बताऊंगा बेसिक एक्सरसाइज जो आपके घुटने के ग्रीस को ड्राई होने से रोके, घुटने की कटोरी को जाम होने से रोके। तो देखिए, ये दोनों घुटने, इनके दोनों घुटनों में गैप आ गया है, ये यहां ऐसा गैप आ गया है, 6 से 8 अंगुल का गैप आ गया है, जूम करते हुए। और आप जूम करके दिखाइए इनको कि ये गैप थोड़ा ऊपर करिए जी, जो इस तरह की लेग्स ये हो गई हैं, बो लेग्स हो गई हैं। अगर हम ऐसे देखें, पंजे थोड़े खोल दें, तो यहां इतना अंतर हो गया है। इन घुटने की ये जो कटोरी है, ये पूरी कटोरी जाम हो गई है। जिनको जाम हो जाती है तभी ये घुटना पूरा प्रॉपर ऐसे मुड़ता नहीं, यही आकर रुक जाता है। तो हम वो एक्सरसाइज बताएंगे जिससे यहां का ये जॉइंट है, ये जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाए, इसके ऊपर की जो कैप है, नी कैप, और वो ठीक हो जाए, ठीक से वर्क करना शुरू करे। तो देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली एक्सरसाइज, घुटने की एक्सरसाइज, दोनों पैरों को आपस में मिलाया, दोनों पंजों को ऊपर की तरफ खींचना, 1 डाउन, सांस भरिए अप, सांस भरिए डाउन, सांस भरिए अप, सांस भरिए डाउन, सांस भरिए अप, सांस छोड़िए डाउन। एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, रिलैक्स। अब दोनों उंगलियों को, पैर की उंगलियों को ऐसे आपस में टाइट करना, बंद करना, खोलना, बंद करना, सांस छोड़ना। सांस के साथ की प्रक्रिया जरूर करना, उससे अधिक अभ्यास होता है। करिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस दिया, अलग अलग डिस्टेंस दें, और जब डिस्टेंस हम देंगे तो एक पैर को मैक्सिमम ऊपर खींचिए, मैक्सिमम खींचिए, डाउन लेके जाइए, अप करिए। अब ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गई, डाउन करिए, जूम करते हुए दिखाएं, केवल एक्सरसाइज पूरा। जब हम ये टाइट करते हैं तो यहां के मसल्स इधर खींचते हैं, बैक ऑफ नी के, और जब हम डाउन करते हैं तो वो उधर आते हैं, फ्रंट ऑफ नी के एक मसल से इधर जाते हैं, और ऐसा होने से यहां जो जाम हो रहा है मामला, ये खुल जाता है। ये खुद की एक्सरसाइज में पहला हमने एक्सरसाइज ये की, इसी प्रकार से इसको भी करना है। अब ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, करो, अप डाउन, अप डाउन, अप,
खुद ही करना है इन्होंने डाउन रिलैक्स। ये दोनों करने के बाद दोनों पैरों को इकट्ठा करिए। अब दोनों पंजों को क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरा क्लॉकवाइज घुमाइए मैक्सिमम। सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना अपोजिट। दूसरी दिशा में भी घुमाना, दूसरी दिशा में भी घुमाना। यह एक्सरसाइज घुटने के दर्द के रोगियों के लिए स्पेशल बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही जिनको हीट पेन होता है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। यह घुमाने के बाद अपनी कटोरी को खुद होकर चेक करना, करिए दोनों हाथों से उधर वाले घुटने को आप करिए, ऐसे रब किया और ऊपर नी कैप के ऊपर भी रब किया ऐसे, फिर नीचे रब किया, ऊपर रब किया। अब इस कैप को आपस में हिलाने की कोशिश करिए, जिनकी जाम है देखो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, जहां जाम है उसको हल्का सा क्लॉकवाइज करके खुद खोलिए, ऐसे क्लॉकवाइज करिए, हाँ हल्का सा ऐसे, जो कैप जाम है उसको खोलिए। आप इसके बाद हल्की से रविंग नीचे की तरफ अपने हाथ से कर लीजिए, नीचे की तरफ रविंग करिए, और रविंग करने के बाद बस एक छोटी सी टॉवल, ऐसी टॉवल ली और ऐसी टॉवल को गोल करना। यह गोल करने के बाद घुटने के नीचे लगाया, ठीक घुटने के नीचे लगाया। अब इसको नीचे अपने इसके प्रेशर से, नी के प्रेशर से उसको दबाना है। दबाइए, सांस भरिए, दबाइए, रोक के रहिए, छोड़िए, फिर से दबाइए, सांस भर के छोड़िए, फिर से दबाइए, पूरा दबाइए, छोड़िए, सांस, हाँ फिर से रिलैक्स। ये काम 5 से 6 बार एक घुटने का करना चाहिए, और इसी प्रकार से सेम एक्सरसाइज दूसरे घुटने की भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको एक ही घुटने में तकलीफ है तो आपको दूसरे घुटने की एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए। आप अपनी सपोर्ट, क्योंकि ज्यादातर जिनको घुटने की तकलीफ होती है उनकी उम्र 50 से, आजकल तो कैसा कोई कॉमन ही नहीं है, 30 साल वाले भी मेरे पास बहुत आते हैं, लेकिन तो भी अधिक उम्र वाले लोगों को सावधानी पूर्वक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे ये पूरी सपोर्ट पीछे दीवार से लगाया है इन्होंने, ऐसे सपोर्ट लगानी है, इसके बाद घुटने की एक्सरसाइज करनी है। तो फिर से ये सांस भरा और धीरे से छोड़ा, सांस भरो, छोड़, रिलैक्स। तो ये पहली एक्सरसाइज जिसमें हमने पंजे को आगे पीछे लेकर गए, दोनों को गोल घुमाया, उंगलियों को ऐसे किया, और हमने अपनी नी कैप को, आखिर में फिर से एक बार नी कैप को रब कर दीजिए। हल्का सा रब करने से यहाँ का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, और सर्कुलेशन ठीक होने से दर्द में तुरंत राहत होती है, तुरंत राहत होती है। इतना गजब का ये अभ्यास और अनुभव है मेरा लोगों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर देखने के कारण। तो ये हमने नी कैप की पहली और बेसिक एक्सरसाइज आपको बताई। आपको कैसी ये एक्सरसाइज लग रही है इसका आप ध्यान हमारे को बताइए। और जिनको तकलीफ है घुटनों के साथ साथ कमर की, उनको ये तकलीफ से मुक्ति दिलाने की रामबाण टेक्निक है। यह एक्सरसाइज नहीं करने के कारण घुटनों की तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि लोगों की आदत क्या है, ऑफिस में जा रहे हैं चेयर, ऑफिस में जा रहे हैं कार पर जा रहे हैं, ऑफिस में पहुंचेंगे चेयर पर बैठेंगे, वापस घर आएंगे सोफे पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पर भोजन करेंगे, जमीन पर बैठने की आदत बहुत कम हो गई, इसीलिए घुटनों के रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और माता बहनों आप विशेष ध्यान करो, आपकी स्टैंडिंग रसोई आपके घुटने के दर्द का बहुत बड़ा कारण है। तो मैं कारण भी बताऊंगा, और केवल कारण नहीं बताऊंगा, समाधान भी आपको दूंगा। तो आज एक छोटे से रूप के प्रयोग के रूप में मैंने आपको घुटने की स्मॉल एंड इफेक्टिव टेक्निक सिखाई है। कैसी लगी आप मुझे जरूर शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें, और अपने जो भी मित्र हों उनको शेयर करें। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने रिव्यू भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।